नमस्कार दर्शकबिन, हजुरहरुलाई थाहा छ आज भन्दा केही दिन अगाडि कान्छी लिम्बू आन्टीको घरबाट मैले भिडियो गरेर गएको थिएँ, जुन एङ्करिङ गरेर गएको थिएँ। उहाँको जुन हजुरहरुको समक्षमा मैले लाएको थिएँ कि घरको आर्थिक कन्डिसन थिएन राम्रो, र उहाँको जुन स्वास्थ्य पनि राम्रो थिएन, र यो विषयबाट लिएर मैले हजुरहरुको समक्षमा जयगाउँ टुडेबाट जुन मैले प्रचार गरेको थिएँ, हजुरहरुको समक्षमा जुन मैले लिएर आएको थिएँ, त्यो भिडियो हेरेर यहाँ केहीजना हेल्प गर्नको लागि अगाडि बढ्नु भएको छ, र यो हेल्प गर्नको लागि भाइहरू आउनु भएको छ, र कुनै अङ्कलहरू पनि आउनु भएको छ, जुन भाइहरू र कानु समान संस्थाबाट पनि अङ्कलहरू आउनु भएको छ, भाइहरू आएका छन्। यो विषयबाट लिएर आउनुहोस्, आन्टीको घरभित्र म प्रवेश गर्दैछु र आन्टीलाई यो विषयबाट लिएर म जानकारी लिँदैछु कि आन्टीलाई सहयोग, आज धेरै दिन पछाडि सहयोग मिलेर आन्टीलाई कस्तो महसुस हुँदैछ। आन्टी, हजुरलाई अहिले सहयोग गर्न यहाँ भाइहरू आइपुगेछन्, यो सहयोग पाएर हजुरलाई कस्तो लाग्छ? मलाई खुसी, एकदम खुसी लाग्दैछ। भाइहरू आएर सहयोग गऱ्यो, मलाई खुसी लागेछ। कसैले गरेको थिएन मलाई, अरूतिरबाट भाइहरूले आएर सहयोग गरे, मलाई एकदम खुसी छ। आन्टी, भनेपछि अहिले जुन सहयोग तपाईँले पाउनुभयो, योभन्दा अगाडि कहीँबाट पाउनुभएको थिएन? पाएको थिएन, पाएको थिएन। अहिले भाइहरू आएर सहयोग गरे, मलाई एकदम खुसी लाग्यो। दर्शकबिन्द, आज आन्टीले नि भाइहरूलाई धन्यवाद टक्राउँदै भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो, र म आज हजुरहरूलाई यही नै भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ प्रशासनले हेर्नुपर्ने हो, यहाँको पञ्चायतहरूले प्रधानहरूले हेर्नुपर्ने हो। किनकि भने यो जति पनि यहाँको बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ र यहाँको गरिबहरू हुन्छ, जसको आर्थिक कन्डिसनहरू खराब छ, जसलाई घरको आवश्यकता छ र जसलाई घर चाहिनुपर्ने हो, उहाँलाई चाहिँ एक्चुअली यो प्रशासनले हेर्नुपर्ने हो। र आज म प्रशासनलाई पनि यही भन्दछु, जुन भोटको टाइममा, इलेक्सनको टाइममा त सबैजना अगाडि बढेर आउनुहुन्छ, र आउनुहोस्, अहिले चाहिँ प्रशासनहरू अगाडि बढेर आउनुहोस् र गाउँ गाउँ भित्रभित्र पसेर हेर्नुहोस् र यहाँ गाउँको परिस्थिति कस्तो छ एकपल्ट सबै गाउँमा निहारेर हेर्नुहोस् र सबैको दुःख कष्ट बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। म यही अपिल गर्दछु प्रशासनलाई, र यहाँ जुन भाइहरू आउनुभयो आज सहयोग गर्न, उहाँ भाइहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद गर्दैछु। दर्शकबिन, जस्तो कि हजुरहरूले हेर्नुभएको थियो, आउने सप्ताह अगाडि, केही दिन अगाडि हामीले भिडियो गरेर हालेको थियौँ जो फेसबुकमा र हाम्रो च्यानल थ्रुबाट, अहिले हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यहीँ दलसिंहपाडा डिगबिर लाइनमा आइपुगेको छौँ, जो जुन आन्टीको आर्थिक अवस्था खराब थियो त्यो आन्टीको घरमा केहीजना सहयोग गर्न आइपुग्नु भएको छ जयगाउँबाट, र उहाँ भाइहरू पनि हुनुहुन्छ कतिजना, र कतिजना अङ्कलहरू र दाइहरू पनि हुनुहुन्छ, र म आज भाइहरूले सहयोग गर्न आइपुगेको भाइहरूसँग म यो विषयबाट लिएर आज जानकारी लिँदैछु। जैसे कि भाइ, अभी आप लोग दलसिंहपाडा पहुँच चुके हो, तो अभी आपका इस विषय से लेके आपको क्या कहना है? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जयगाउँ टुडे को, और हम लोग का कोई हम लोग का आज का मतलब हम लोग का जो संडे का हम लोग बोले थे कि हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, हम लोग बोले थे, आज भी बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। तो हम लोग एक हम लोग मोटिव से आए हुए थे, तो हुआ क्या कि परसों रात को हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखे जो अपने पेज पे था जयगाउँ टुडे पे, तो हमें बहुत ख़राब लगा कि उनको कोई मदद नहीं किया जा रहा है, उनको कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, हाथ पैरालिसिस है उनको, मतलब उनके खाने पे आफत है। तो ऐसे अब हम लोग बोले कि कुछ ना कुछ उनके लिए करना किया जाए, तो हम लोग रात भर ही हम लोग मीटिंग किए, हम लोग अपने टीम में मीटिंग किए, डिस्कशन किए, रात भर होने के बाद भी हम लोग रात भर सोए नहीं, बट फिर भी हम लोग एक अगला नया सुबह हम लोग सैटरडे को दिन भर हम लोग अरेंजमेंट करने के बाद हम लोग का आज सुबह मीन्स संडे को आज सुबह हम लोग का सब कुछ फाइनल हो चुका है, और एक जो उनके लिए एक महीना तक आराम से उनका राशन चल जाएगा। जैसे कि भाई लोग आप जो लेके आए हो, मतलब उसमें से क्या आप लोग कुछ राशन का सामान लेके आए हो क्या? जी राशन का सामान है, जैसे कि चावल हम लोग एक बोरी ला दिए जो उनका एक महीना आराम से चल जाएगा, उनके बाद हम नमक, चीनी, क्या बोलते हैं, तेल और आपका आलू प्याज ये सब ला दिए कि उनका आराम से एक महीना तो अकेले है तो उनका निकल जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना कष्ट करके इतना अंदर अंदर तक जाके
इस तरीका का वीडियो आप लोग डालते हैं जिसको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए मैं पूरे जयगांव टुडे को ही धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप ये परोपकारी काम जो आप करते हैं वो आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। दूसरी बात, हम लोग जयगांव कानू समाज कालचीनी ब्लॉक से हैं। मैं ललन प्रसाद कानू सचिव पद में हूँ। ये विनोद कुमार गुप्ता जी हैं, ये कोषा अध्यक्ष है जयगांव कानू समाज से। आपका वीडियो देख के हम लोग यहाँ आए थे। परसों मैंने देखा था तो मैंने सिद्धू जी से बात भी किया था। आज इन्होंने देखा, देखने के साथ साथ मेरे को कॉल किया, मेरे इनसे बात नहीं हुई थी, इन्होंने उल्टा मेरे को कॉल किया कि ऐसा ऐसा वीडियो देखा है, चलना है बोल के। अभी दो घंटा पहले ही आपसे बात करने से, दो घंटा पहले इन्होंने हमको अचानक ही फ़ोन किए। तो ये हमेशा ही आगे रहते हैं इस सब काम में। तो इनका तो पोजिशन देख के सच में बहुत बुरा है और घर तो दयनीय स्थिति में है, रहने लायक तो है नहीं। हम लोग कानून समाज की तरफ से ये सोच रहे हैं कि इनका जितना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर तो अभी हम लोग नहीं बना पाएंगे, किंतु हाँ इनका रहने के लिए जो है एक रूम हम लोग जैसे भी हो कंप्लीट कर देंगे। और इसमें जितना भी ईंटा लगे, जैसे 1000 ईंटा लगेगा, 10 बोरा, 12 बोरा, 15 बोरा सीमेंट लगेगा या जो भी सामान लगेगा वो सब लगा के हम लोग इनका रेडी कर देंगे। हम यहाँ का लोकल एक बासिंदा दीदी हैं, उनसे भी बात किए हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ लोकल मिस्त्री लेबर मिल जाएगा, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दे के इनका काम जल्द से जल्द हम लोग शुरू करवा देंगे और जैसे कि वो रहने लायक हो जाए बोल के। और दूसरी एक और चीज़ है इनका बीमारी के लेके, खाना वगैरह तो इनका पहुंच रहा है। अभी कुछ और भी एनजीओ लोग आए थे, उन लोग राशन वगैरह दे के गए हैं और खाना ऐसे इनका पहुंच ही रहा है। इनका भाई भी इनको देख रहा है कि तो बीमारी के लेके थोड़ा इनको दिक्कत है। जो 1000 रुपये इनको महीना का लगता है, 1000 रुपये दवा का, वो 1000 रुपये अभी हम लोग इनको दे रहे हैं और अगला महीना फिर अगर दरकार पड़ा तो हम लोग दे के जाएंगे। सबसे पहले कि जयगांव टुडे को नमस्कार। जैसे कि आप लोग मीडिया में जो डाले थे, हम लोगों ने देखे थे, देखने के बाद भी हम लोग यहाँ पर जायजा लेने के लिए आए हैं। जो हम लोग के पास में जो सक्षम हो रहा है ये घर बनाने के लिए, हम लोग बना कर उसको कोशिश करेंगे बना कर देने के लिए, उनको सपोर्ट करके जिस तरह भी जैसे भी हो उसी तरह हम लोग करेंगे। जो कि ये घर अभी देख रहे हैं आप कि घर कैसा है इनका, अभी चारों बगल से टूटा फूटा है इनका घर, अभी जो कि एकदम अंदर में पूरा पानी वानी चूरा है। जैसे कि आप देख लीजिए, जो माता जी हमारे बैठे हैं यहाँ पर, इन्हीं का घर है। चारों बगल से हाथी उथी तोड़ दिया है, कुछ भी नहीं है रहने के लिए। इनको जंगल झाड़ कीड़ा मकोड़ा घुसने लगे, जगह बन चुका है सांप ऑफिस में। इनको रहने के लिए नहीं बेड है, नहीं कुछ है। तो हम लोग इनके जितना हम लोग का सहयोग जो बनेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। आज वो अभी जो इनको जो दवा का ज़रूरत है तो हमारे जो भैया ने बोले थे वो दे रहे हैं, उसके बाद आगे भी जो ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग देखेंगे।